और वह प्रश्न आए हैं संदीप जैन देहरादून, और उन्होंने प्रश्न किया है महाराज श्री संत क्या मृत्यु से भयभीत नहीं होते हैं? संत क्या कभी मृत्यु से भयभीत होते हैं? ध्यान रखिए, संत जो है मरण से भयभीत नहीं होते हैं। अभी तो जो है संत हंसकर के उसका जो है क्या करते हैं, मृत्यु का मृत्यु को बुलाते हैं, मृत्यु का स्वागत करते हैं। संत जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। क्या है? जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है, इसलिए क्यों ना हो, बोले जो है मरना ही है तो कायर बन के नहीं मरना है, मरना है तो वीर बन के मरना है। बोले धीरे भी मरितम्बम, धीरे भी मरितम्बम, वीर भी मरता है कायर भी मरता है, धीर भी मरता है अधीर भी मरता है, शीलवान भी मरता है अशीलवान भी मरता है, तो क्यों ना जो है हम शीलवान होकर के मरे, जो मृत्यु को प्राप्त करें। बोले मृत्यु से भागना नहीं है, क्योंकि जो मृत्यु से भागता है तो मृत्यु भी उसको भगाती है, उसके पीछे पड़ जाती है, और जो मृत्यु को बुलाता है, मृत्यु को जो बुलाता है तो मृत्यु भी उससे दूर भाग जाती है, और जो मृत्यु से भागता है तो बोले उसको कष्ट होता है, और जो मृत्यु का डटकर सामने करता है तो उसे कष्ट नहीं होता है, पीड़ा नहीं होती, वेदना नहीं होती, अभी तो खुशी होती है कि हम संलेख ना समाधि धारण कर रहे हैं, और इसलिए वो सुरक्षा से साधना करता है, तपस्या करता है, नियम संयम पालन करता है, और त्याग की ओर उत्कृष्ट दशा की ओर पहुंच जाता है। तो इसलिए उन्हें क्या होता है, मृत्यु से डर नहीं होता, इसलिए वो मृत्युंजयी हो जाते, मृत्युंजयी हो जाते हैं, और संलेख न समाधि मन करके वह श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं, सिद्धार्थ पद को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए वह मृत्यु से डरते नहीं, अभी तो डट करके उसका मुकाबला करते, क्योंकि उन्हें पता है मृत्यु ये क्या है। ये जो है जैसे जो है कपड़ा होता है, कपड़ा जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, फट जाता है, बदल देते हैं, फिर दूसरा पहन लेते हैं। तो ये शरीर भी क्या है, ये शरीर भी वस्त्र की तरह है कि वह एक बजवन में पहना है उसको तो एक दिन पुराना होगा, फटेगा, और फटेगा तो जो है बदल जाएगा। तो मृत्यु भी ये बदल रहा है, जब बदलेंगे तभी हमें नया मिलेगा, अगर नहीं बदलेंगे तो वही पुराना रहेगा। तो इसलिए वह मृत्यु का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, डरते नहीं है, उसका डटकर मुकाबला करते हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए। ओम नमः शिवाय।